समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से इस एपिसोड का निर्माण करके काल्पनिक और मनोरंजक तरीके से कहानी का प्रदर्शन किया गया है। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। 17 साल में पहली बार हमें मिला है दुनिया का सबसे नायाब लेकिन विवादित पत्थर नागमणि। कैसा दिखता है एक असली नागमणि, क्या है इसके फायदे और क्या है इसकी कीमत, जानेंगे हम इस एपिसोड में। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। कुछ दिन पहले हमें पता चला कि दूर किसी गांव में एक शख्स के पास नागमणि है। ये बात पता चलते ही हम उस नागमणि को देखने उस शख्स के पास पहुंचे। पचपन किलोमीटर का सफर तय करके मैं उस व्यक्ति के घर तक पहुंच गया और खुशकिस्मती से वो मुझे नागमणि दिखाने के लिए राजी भी हो गया। मणि के बारे में उससे पूछने पर उसने बताया कि उसके पिता ने इस मणि को कई साल पहले जंगल में एक नाग से छीना था। फिर मैंने उससे दरख्वास्त की कि मैं ये मणि अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसने कैमरे पर नागमणि दिखाने से इनकार कर दिया। हालांकि मैं वो मणि आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने भी वही किया जो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने इस मणि को अपने फायदे के लिए उस नाग से छीना था और मैंने इस मणि को आपके नॉलेज के लिए उससे छीन लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि एक असली नागमणि दिखता कैसा है। हो सकता है आपने किसी चमक धमक वाले पत्थर को देखने की उम्मीद की हो, लेकिन ऐसे चमकीले पत्थर महज फिल्मों में ही देखने मिलते हैं। ये क्या हुआ? कैसा अनोखा प्रकाश है जो तीर की तरह आंख से निकल गया? शायद कहीं कोई तारा टूटा है या कोई बिजली गिरी, जो लेकिन बिजली गिरती तो उसकी आवाज होती। फिर ये प्रकाश, ये प्रकाश मणि का तो नहीं? हाँ, ये प्रकाश मणि का है। जबकि हकीकत में नागमणि कुछ इस तरह से दिखता है। इसके कई सकारात्मक फायदों के कारण इसे बेशकीमती माना जाता है, और अगर इसे अच्छे से पॉलिश किया जाए तो इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे मैं आपको इसका असली नाम बताना भूल ही गया। इसका असली नाम है बेंजाइट कार्बोनेट। जी हाँ, बेंजाइट कार्बोनेट जैसे पत्थरों को ऐसा स्वरूप देकर नागमणि के नाम से बेचा जाता है। पिछले 17 साल के सरीसृपों के अध्ययन और अपने तजुर्बे के दम पर मैं ये कह सकता हूँ कि नागमणि जैसी किसी भी चीज का कोई भी प्राकृतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन सदियों से कुछ कहानियां नागमणि के अस्तित्व का दावा करती है। जैसे कि नाग 100 साल का होने के बाद उसे प्राकृतिक तौर पर यह मणि हासिल होता है ताकि वो रात के अंधेरे में मणि के प्रकाश तले शिकार कर सके। जबकि सच तो यह है कि सांपों की अमूमन उम्र 15 से 20 साल तक ही होती है, और दूसरी बात, सांपों को शिकार करने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शिकार करने के लिए सरीसृप अक्सर अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी दुर्लभ फुटेजेस भी है जिसमें एक व्यक्ति नाग के सिर से एक मणि निकालते नजर आता है। हालांकि ये महज एक चालाकी है, क्योंकि गौर से देखने पर पता चलता है कि नाग की गर्दन पर काफी ढीली त्वचा होती है।
और ये लोग पहले से ही उस त्वचा पर एक छोटा सा घाव लगाकर इस पत्थर को उस जगह पर छुपा देते हैं। कुछ दिन बाद वो घाव भरकर सामान्य हो जाता है और फिर प्रदर्शन के वक्त ये लोग उसी सांप को उसी जगह पर दोबारा घाव लगाकर लोगों के सामने उस पत्थर को निकालकर दुनिया को अचंभित कर देते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की हरकत नैतिक रूप से गलत होने के साथ साथ कानूनन जुर्म भी है। इन सभी बातों से यही तात्पर्य निकलता है कि नागमनी जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में मनोरंजन के लिए ही शोभा देती है, इनका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे पत्थर उनकी सही जगह पर ही अच्छे दिखते हैं। समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना ही इस एपिसोड का मूलभूत उद्देश्य है, क्योंकि आज भी भारत में लोगों का एक बड़ा प्रवर्ग नागमनी जैसे विषय पर विश्वास रखता है और मेरा ऐसा मानना है कि उनकी इस मानसिकता में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। सी यू नेक्स्ट टाइम।